हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों एकदम मस्त होंगे, अच्छे होंगे और ठंडी में बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते होंगे। तो आइए देखते हैं हम आज हमारे नीलू जी की स्वीट किचन में क्या बनता है। तो दोस्तों ये बना है आज बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी डिश जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो फिलहाल आपको देख कर पता ही चल गया होगा कि ये क्या है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा खर्च खराबा करने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे मिलने वाली चीज़ है। सिर्फ लाना है सिर्फ ब्रेड। तो ब्रेड मलाई ये कैसा बना है आप बताइएगा, और सिर्फ बना है एक गिलास दूध से। तो आइए देखते हैं कैसे बना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, एक गिलास दूध मैंने ले लिया है, और दूध आप गर्म ठंडा कोई भी ले सकते हो। इस कढ़ाई में मैंने डाला है दूध, और दूध यानी मिल्क को आप अच्छे से चलाएँगे पहले, नीचे कढ़ाई तले पर लगे ना। ग्लास बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है, तो इससे आप पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं ब्रेड मलाई, बहुत ही टेस्टी जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ब्रेड मिल्क इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही पसंद आएगी। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी मलाई डाल दी है, एक चम्मच से दो चम्मच लगभग। तो मेरी मिल्क जो है ना थोड़ा दस मिनट तक मैंने चलाया, उसके बाद थोड़ी गाढ़ी होने लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है तेज़ आँच में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक से दो चम्मच जो आप एक दो दिन के लिए ना मलाई निकाल के दूध के ऊपर का रखे रहोगे ना, तो वो डाल दोगे ढेर सारी क्वांटिटी में, आपका हो जाएगा। और यहाँ पे मैं डालें, क्योंकि मेरे पास केसर नहीं है तो मैंने डाला है हल्का सा फूड कलर येलो में, ताकि देखने में थोड़ी सी गजब लगे। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा मेरी ये रेसिपी टेस्टी सी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं अच्छे से इसको चलाती रही हूँ, और अभी यहाँ पे कुछ नहीं डाला है। अब डालूँगी मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह, जो कि बादाम, आप इसमें से कोई केसर के साथ बादाम में कोई भी बादाम, काजू बादाम, कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह आप यूज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने डाला है बादाम, और नहीं हो तो स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप अपने कलर के हिसाब ले सकते हो, थोड़ी येलो या तो फिर फूड कलर ना पसंद हो तो वैसे रहने दीजिए, वाइट ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा येलो कलर मतलब हल्का ऐसे थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा अभी ज़्यादा नहीं कलर मैंने डाला है, बहुत चुटकी भर। यहाँ पर देखिए मैं निकाल रही हूँ पहले वही जो मैंने अभी दूध चलाया है, उसको मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे दो से तीन चम्मच। और यहाँ पे दोस्तों देखिए मिल्क की जो मैंने रबड़ी बनाई है, अब उसी में मैंने डाला है ड्राई फ्रूट थोड़ा सा, और इसमें डाला है शक्कर, और ये रबड़ी अब जाएगा मेरे ब्रेड के अंदर। और ये कैसे जाएगा आइए हम दिखाते हैं। पहले यहाँ पर शक्कर डाला है, शक्कर पाउडर, यानी आप थोड़ा सा हल्का मीठा मतलब लगे इसीलिए मैंने डाला है, और ड्राई फ्रूट और उसी खोवा यानी खोवा रबड़ी कुछ भी कर लो, उसमें दो चम्मच डाल के मिलाया है। और यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेड ले लिया है, ब्रेड का साइड साइड का स्लाइस में कट करूँगी ताकि मतलब कलर देखने में अच्छा लगे। तो ये स्लाइस स्लाइस में कट कर रही हूँ दोस्तों, और इसके बीच का पार्ट मुझे लेना है। अगर इस तरीके से नहीं तो आप ग्लास से का भी यूज कर सकते हो, ग्लास से गोला गोला काट कर भी बना सकते हो। इसमें क्या है मतलब टेस्ट सेम ही आएगा, टेस्ट सेम रहेगा, बस ये है कि थोड़ा सा कोई चीज़ें खाने में सुंदर तो लगे ही लगे, लेकिन देखने में भी खूबसूरत लगे। आज के न्यू मॉडल में लोग यही चाहते हैं, कोई चीज़ सीधे सीधे नहीं खाना चाहते पहले के लोग जैसे, आज के थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा सा डेकोरेट करके, वही चीज़ है लेकिन डेकोरेट करके थोड़ा खाना पसंद करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक स्लाइस ले लिया है, किनारा निकाल दिया है ब्रेड का, और मेरा ब्रेड थोड़ा छोटा है, आपका अगर बड़ा मिल जाए तो वेस्ट है। तो यहाँ पे जो मैंने बादाम वाला ये रबड़ी मैंने मिलाया भी, तो एक स्लाइस पे लगा के मैंने दूसरे स्लाइस पे रखा, फिर दूसरे स्लाइस लगा के मैं तीसरे स्लाइस पे रखूँगी। मेरा मतलब यही है कि आपको पीसेस थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट कैसे मतलब बीच में ऐसे कट करना है, तो आप ऐसे मतलब लेयर एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगा दीजिए, अंदर मतलब चिपकाना है आपको ऐसे
ब्रेड स्लाइस के अंदर ये रबड़ी डाल के, इससे क्या होता है टेस्ट दोगुना हो जाता है और आपको बिल्कुल मतलब ऐसे दूध में या किसी में ऐसे भिगाने की ज़रूरत नहीं होगी और एकदम आपकी ये ब्रेड बहुत ही मतलब टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के, इससे क्या होता है कि आपके एक ही बार में कट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चार पीसेस लग कर दिया है, मतलब जैसे कि एक ब्रेड में चार पीसेस, अब समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए ऐसे निकल गए साथ साथ में स्लाइस, तो यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ स्लाइस साइड में। और दोस्तों यहाँ पे अब मैंने ले लिया है एक छोटी सी ट्रे और अब इसी प्लेट में आप रबड़ी में सब रबड़ी लगी हुई ब्रेड में सब रख दी हूँ। और तीन से चार मतलब चार ब्रेड मैंने लिया था, चार पांच, और यहाँ स्लाइस डबल स्लाइस है आठ लगभग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मेरी थोड़ी सी रबड़ी जो अभी कढ़ाई में है, अब उसमें थोड़ा सा फिर शक्कर में डाल रही हूँ और क्योंकि थोड़ा मीठा होना ज़रूरी होता है। फिर से मैं हल्का सा फूड कलर डाल दे रही हूँ, मुझे कलर थोड़ा फीका लगा है अभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हल्का सा फूड कलर डाल दिया है और अब निकालूंगी एक कटोरी में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने निकाल दिया है कटोरी में फूड कलर डालने के बाद, हल्की हल्की येलो है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से येलो है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी हल्की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं निकाल दी हूँ एक बाउल में सारा, और आप फूड कलर वाइट भी कर सकते हैं, मैंने जैसे कहा। और दोस्तों मेरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है ये, तो आप मतलब ना 5 से 10 मिनट ही बस दूध को चलाइए, आपका उतना गाढ़ा बहुत ही सही रहेगा। मेरा थोड़ा ठंडा हो गया तो ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे स्लाइस के ऊपर, क्योंकि अंदर मैंने डाला है ड्राई फ्रूट और मलाई, मैंने अंदर खुद ही डाला है रबड़ी शक्कर के साथ, तो यहाँ पे बस ऊपर से डेकोरेट कर देना है। कितना आसान रेसिपी है ना। तो यहाँ पे आप उठा उठा के चम्मच से या कटोरी से ऐसे डायरेक्ट उसके ऊपर कोटिंग कर दीजिए, यानी कि ऊपर आप उसके ऊपर सारा मलाई जो आप रबड़ी लिए हो तो वो रबड़ी आप इसके ऊपर सब गिरा दीजिए। और गिराने के बाद ऐसा मत डरिए कि आपका चूने लगेगा या गिरने लगेगा या आप चम्मच से उठा नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतनी गजब की छोटी छोटी है ना, आप जिसके प्लेट में सजा के दोगे वो तो आश्चर्य ही हो जाएगा, मतलब आपने बनाया क्या है। तो दोस्तों एक बार बहुत ही आपने देखा होगा, एक बार इस तरीके से भी ट्राई कीजिए, उम्मीद करती हूँ बहुत ही आप सबको पसंद आएगा। तो मैं हमेशा एक घर से ही बनी चीज़ें और घर से ही घर पर ही मिलने वाली हर चीज़ें बताती हूँ आप सबको, डेकोरेट करके जो हमारे पास है अवेलेबल होता है मैं उसी में खुश रहती हूँ, उसी में आप सबको भी बताती हूँ। क्योंकि एक हाउसवाइफ एक वेल हजिब को बहुत चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, खास करके गाँवों में। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि जो शहर में है तो वो तो बनाए ही, लेकिन जो गाँव में है वो तो ज़रूर बनाए रेसिपी को। तो दोस्तों ये देखिए स्लाइस में निकाल रही हूँ एक कटोरी में, बाउल में। किसी को सर्व करते हो आप ना तो ऐसे आप दे सकते हो, इतना मुलायम, इतना मतलब गजब की है ये, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये मैंने दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि झटपट बनने वाली है, 10 से 5 मिनट के अंदर ये रेसिपी आपकी बन जाएगी। ब्रेड मलाई एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, ब्रेड मलाई, ब्रेड खोआ, ब्रेड रबड़ी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा, तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।